28 दिसंबर 1881 को वडोदरा के महाराजा के रूप में कार्यभार संभालने के बाद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सबसे पहला और सबसे बड़ा जो निर्णय लिया वो निर्णय था वडोदरा राज्य के चारों प्रांत का पूर्ण रूप से प्रवास करना। नवंबर 1883 से जनवरी 1887 तक तकरीबन 4.25 साल तक महाराजा साहब ने पूरे राज्य का प्रवास किया और यह प्रवास कोई मोटर कार में नहीं, कोई घोड़ा बग्गी में नहीं, यह प्रवास उन्होंने बैलगाड़ी में बैठ के करने का निर्णय लिया। उनके जितने भी अधिकारी थे उन अधिकारियों ने उन्हें सुझाव देने का प्रयास किया कि महाराजा साहब को बैलगाड़ी में बैठना शोभा नहीं देगा, महाराजा साहब को उनके ओहदे के अनुरूप मोटर कार में प्रवास करना चाहिए या कम से कम घोड़ा बग्गी में प्रवास करना चाहिए। महाराजा साहब ने इसके बहुत ही मार्मिक उत्तर दिए। महाराजा साहब ने कहा कि मुझे ऐश्वर्य प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं है और बैलगाड़ी में बैठकर प्रवास करने के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो सनसन करती हवाएं आती हैं, तेज हवाएं आती हैं, उस हवा से बचा जा सके, मंद मंद आती हवाओं का लुफ्त उठाया जा सके। अगर हम बैलगाड़ी में प्रवास करते हैं, बैलगाड़ी धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती हुई इस बैलगाड़ी से वहां पर काम कर रहे जो लोग हैं, बैलगाड़ी के रास्ते में आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सच्ची परिस्थिति का सच्चा आकलन हो सकता है, बारीकी से उसका निरीक्षण हो सकता है। राज्य के द्वारा जितने भी अलग अलग कार्य चल रहे हैं उन कार्यों का भी ध्यान से निरीक्षण करने का मौका मिलता है। इसी प्रकार से उस समय ज़्यादातर रास्ते कच्चे हुआ करते थे, बैलगाड़ी होने के कारण बैलगाड़ी को जहाँ ले जाना हो वहाँ पे ले जा सकते थे, मोटर कार हो तो उसको ले जाने की बहुत सारी मर्यादाएं होती थी, बैलगाड़ी होने के कारण जहाँ जाना हो वहाँ पे जा सकते थे। और बैलगाड़ी होने के कारण उन्होंने सबसे बड़ा जो मार्मिक उत्तर दिया था, उन्होंने कहा बैलगाड़ी छोटी होती है, छोटी सी बैलगाड़ी में ज़्यादा लोगों को बिठाने की संभावनाएँ नहीं होती है और ज़्यादा लोग साथ में न होने के कारण अकेले बैठकर कुछ विचार करना हो तो विचार करने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपके साथ प्रवास में बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, शांति से सोचना विचार करना उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन 4.25 साल के बैलगाड़ी के प्रवास के परिणाम स्वरूप महाराजा साहब ने सबसे बड़े जो 4 काम किए, पहला काम था सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए, नागरिकों के लिए और पशुधन के लिए सार्वजनिक रूप से पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, आरोग्य सेवाओं की स्थिति पूरे राज्य में सुधारना और एक बहुत बड़ा काम उनके इस प्रवास के कारण हो पाया वो ये था कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ सरकारी कचहरी होती थी वहाँ पर वहाँ के अधिकारियों को बैठने के लिए बड़े बड़े गद्दे, बड़े बड़े तकिए वहाँ पर रखे हुए थे। उन्होंने प्रवास से वापस आकर सरकारी कचहरी में कुर्सी और टेबल की व्यवस्था अनिवार्य करवा दी। उसके कारण गद्दे और तकिए वहाँ से निकाल दिए गए और गद्दे और तकिए पे काम से ज़्यादा आराम करने की जो मानसिकता बनी हुई थी उस मानसिकता को दूर करने में भी महाराजा साहब को सफलता मिली।